अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस। तो आप सब ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को यार सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ। तो आइए चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, तो देखते हैं क्या होता है फिर। तो यहाँ पर एक स्क्वाड आ रहा होता है, दुश्मन है। तो देखते हैं हमें गन मिलती है कि नहीं। तो मुझे नजर आती है स्कारल, तो मैं कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन नाकाम रहता हूँ। थोड़ा डैमेज करता हूँ उनको लेकिन वो लोग बच जाते हैं। I need a weapon. मैंने सोचा कि यार वॉल बना लूँ उनके पास कहीं गन ना हो, फिर मैंने सोचा रश करता हूँ। तो मैं छत से फिर दूसरी छत पे आया, तो देखना फिर क्या होता है आगे। यहाँ पर हमें मिल जाती है M416, तो अब देखना मजा आने वाला है। और अब इनकी खैर नहीं। Let's go. आगे दुश्मन है। तो हमने पहले साउंड लिया, फिर सोचा रश करते हैं। यहाँ पर मेरा टीममेट आगे गया, एकदम से नॉक हो जाते हैं लेकिन मैं इन दोनों को विदाउट स्कोप मारने में कामयाब रहता हूँ। ये देखें, आगे दुश्मन है। यहाँ पर एक और टीम रश करती है हम पे, तो फिर हम उनका साउंड ले रहे होते हैं। वो लोग छत पे होते हैं, तो फिर मैं हील कर रहा था, मैंने कहा चलें इनको भी देख लेते हैं। फिर ग्रेनेड आ रहा है, ग्रेनेड। ओके, छत पे चले। स्टॉप हियर। तो यहाँ पर फनी मूवमेंट हो जाता है, हमारा टीममेट अपने आप पर ही ग्रेनेड कर लेते हैं, फिर हम इनको रिवाइव देते हैं। छत पे। Okay. तो फिर मैंने यहां से देखा कि किस साइड पे है बंदा, तो मुझे थोड़ा नजर आता है। मैंने कहा अब इनकी खैर नहीं, रश किया जाए इन पे। तो आई थिंक कोई इतने खास प्लेयर नहीं थे, मैंने देखे इजीली डैमेज दिया इनको। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। ये लोग वॉल बनाई जा रहे थे, अब देखें जरा। मैंने इजीली इसको डाउन किया और फिर देखें इसका जो टीममेट है वो जंप कर देता है, और मैं फिर इजीली इसको देखें कैसे फिनिश करता हूँ M4 को विद 2x। और यहाँ फिर हमने मिलिट्री बेस को क्लियर कर दिया। तो यार वीडियो कैसी लगी? इंशाल्लाह और भी नए आइडियाज़ हैं, नई वीडियोज़ आएंगी। तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।